वैसे नामा लिख के दिए तो सीएम साहब केसीआर साहब परसों इलेक्शन मैनिफेस्टो लगाया, किसको जगह नहीं है, ये 3 लाख का घर दिए तो नहीं बन सकते, वैसे लोगों को जगह भी खरीद के दो बोल के बोले, हम जगह भी खरीद के देंगे, 75 गज जगह दे देंगे और जगह पे 3 लाख का घर मंजूर करेंगे। एक आदमी मुस्लिम माइनॉरिटी ने पूरे कास्ट का आज अपने पास 11,000 डबल बेडरूम्स को जो किस्मत आज कर रहा हूं, इससे दुगनी किस्मत करूंगा आपके आवास से। एक व्यक्ति आपके जो मदद देखने के बाद अल्लाह मियां मेरे को ताकत दे दिया जाए। इलेक्शन तो 30 तारीख का है, हमारे भाई बहन लोग इतने लोग आए तो आज रिजल्ट दे दिए मेरे काम। दोस्तों बुजुर्गों, साफ बात करने का है, मैं ज्यादा ना बात करते हुए, इतने तादाद में आए हमारे भाई बहन लोग, दूर दूर से आए, हरेक गांव से आए, माफ चाहता हूँ भाई, थोड़ा देरी होगा तो मुझे माफी चाहता हूँ मैं, क्योंकि तो बड़ा जलसा है, ये बार बार मेरा नहीं लगा सकते। महमूद अल साहब के वास्ते खासकर मेरा बहुत बड़ा दोस्त है, या उसे जमानत भी नहीं बचेगी। मैं मेरे बहनों भाइयों से खास तौर से अपील करने के लिए आया हूँ, आप जिस तरह हर मरतबा 7 बार से जिताते आ रहे हैं, 8वीं बार भी मेरे पोचारम भाई को जिताइए। इतना अच्छा आदमी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तेलंगाना के अवाम की किस्मत अच्छे, खुदा ने एक अच्छा मसीहा लीडर केसीआर साहब को हमें दिया है, उसी तरह ये बांसवाड़े की भी किस्मत बहुत अच्छे है। आज 7 मरतबा आप लोगों ने जिताया और पोचारम मन्ना आप लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं। खासतौर से आज मेरे को बड़ी, मैं जितने मीटिंग आए हूँ बताया नहीं पोचारम मन्ना को, मेरा काम ही है सारा तेलंगाना घूमना, मैं सारे तेलंगाना में सिरों का संबंध आ रहा तो कहा दिख रहा, यही नजर आ रहा है, यही नजर आ रहा है, ये बांसवाड़े में नजर आ रहा है, क्योंकि पोचारम मन्ना को चाहते है सब लोग। औरतों की तादाद देखने पर ही मैं अंदाजा हुआ, मैं पोचा रहा मन्ना अब आपका इलेक्शन हो गया है, आज ही मरतबा जीत गए हैं। अल्लाह आपको और अच्छे से अच्छा मौका दे ताकि आवाम की खिदमत कर सके। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका भाई हूँ, ये रविंदर रेड्डी गद्दार इंसान है, मेरे साथ गद्दारी किया है सिर्फ 5 करोड़ के लिए। आप बताइए, एक मुसलमान को सीएम साहब एमएलसी का टिकट देते हैं, वो टिकट का वोट डालने के लिए हमारी पार्टी का होकर, टीआरएस पार्टी का होकर, कांग्रेस से पैसे लेकर 5 करोड़ में बिकने वाला है, अब आपका वोट क्या करेगा? वोट लेगा तो वो भी बेच देगा, बीजेपी में शामिल हो जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, मीडिया से भी कहना चाहता हूं, एक बार राहुल गांधी साहब आते हैं तो एक बार रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बीआरएस पार्टी कभी भी बीजेपी से मिल सकती है। मैं आपसे कहता हूं, हमारी गर्दन भी कट जाएगी ना, हम बीजेपी से नहीं मिलेंगे, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे गद्दार है, हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सीएम एक महान और महात्मा सीएम है, अखिलियतों का दोस्त है। मैं एक बात बोलते बात खत्म करता हूँ, मैं हमारे मीडिया के भाइयों से भी बोलना चाहता हूँ, हमारी पार्टी कब बनी बताइए।